गाइस हम लोग जा रहे हैं गणपति पप्पा को लेने के लिए और बस हम लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। मम्मी हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो मम्मी भी बैठी हुई हैं और हम लोग बस निकल रहे हैं पप्पा को लेने के लिए और सब तैयारी हो चुकी है। इधर पीछे आप देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे गणपति बप्पा हमें मिल चुके हैं और हमारे क्यूट से छोटे से गणपति बप्पा आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है गणपति की, मतलब जो मुंबई में गणपति होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। मतलब आप सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्ति है, ये किसी पंडाल की होगी, मतलब जो सोसाइटी में लगता है ना बड़ा सा, वहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ लोग ले जाते हैं। बाकी घरों के लिए लोग छोटी छोटी ऐसी मूर्तियाँ ले जाते हैं। और यहाँ पे अभी ये पे कर रहे थे जो पैसे वैसे बचे थे गणपति बप्पा के मूर्ति के ये। और मुंबई में मतलब हर घर में आप देखोगे ना कि मोस्टली हर दूसरे तीसरे घर में लोग बैठाते ही हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ना गणपति का मुंबई का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि इतना भीड़, इतना हर जगह तैयारी और इतने दिन पहले से तैयारी हो जाती है गणपति आएंगे गणपति आएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ पे पतिदेव जी ने गणपति पप्पा को ले लिया है और उन्हें वो इस तरीके से लेके जाएंगे, तो हम लोग घर तक ऐसे ही लेके जाएंगे उन्हें। और अगर जो बहुत अच्छे से कुछ लोग करते हैं जैसे कि ढोल के साथ लेके जाते हैं, बैंड बाजे के साथ लेके जाते हैं। गणपति जी की मूर्ति हमें मिल चुकी है और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया, मोरिया। गणपति बप्पा को लेके और ये रही मंदिर वाले गणमारे बैठ रहे हैं मंदिर में और पतिदेव जी गणपति जी को लेके आ रहे हैं। मोरिया गणपति बप्पा, मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा, मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया। ये दिखने लगता है गाइज, यहाँ पे गणपति बप्पा आ चुके हैं और इनका फेस आपको सुबह दिख जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को